आज से 8 साल पहले साल 2014 में 1 GB मोबाइल डेटा का एवरेज कॉस्ट था 268.97 रुपीज। आप में से कई लोगों को याद होगा, लेकिन आज के इस एडवांस टेक्नोलॉजी और कंपटीशन के चलते और मेजरली रिलायंस जियो के आने के बाद यह गिर गया है 11 रुपए पर GB पर। और अब इन सालों में यह और भी घट गया है। आप जानकर चौंक जाओगे कि अपडेटेड डेटा के हिसाब से आज के समय में 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट इंडिया में कितना सस्ता हो गया है। दुनिया में जितने सारे कंट्रीज है उनमें जितना पर जीबी का वेरिएबल अमाउंट है, यानी कि सब में अलग अलग अमाउंट है पर जीबी का, जिसको देखने के बाद आप सच में चौंक जाओगे। यह अमेजिंग सा स्टेटिस्टिक देख लो, ये है पर जीबी का एवरेज कॉस्ट। अफ्रीका में एक कंट्री है बेनिन, और वहाँ पर 1 GB डेटा का कॉस्ट पड़ता है 2000 रुपए, यानी कि उन लोगों को 1 GB के लिए 2000 रुपए पे करने पड़ते हैं। अफ्रीका में ही एक चैड नामक कंट्री है और वहाँ पर 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट 1680 रुपए है। कनाडा में 1 GB इंटरनेट का कॉस्ट 904 रुपए है। अमेरिका में 1 GB डाटा का कॉस्ट पड़ता है 600 रुपए। न्यूजीलैंड में पर जीबी कॉस्ट है 400 रुपीज। इंग्लैंड में पर जीबी कॉस्ट है 200 रुपए, और यह गिरते गिरते मेजरली गिरता है यूक्रेन में आकर। यूक्रेन में पर जीबी कॉस्ट है 33 रुपए। इसराइल एक कंट्री है जहां पर 1 GB कॉस्ट है 8 रुपए, जी हाँ, ओनली 8 रुपीज। और इंडिया में पर जीबी का कॉस्ट अभी के टाइम में सिर्फ 6 रुपए 50 पैसे है, जो कि पूरे विश्व में पूरे प्लेनेट पर इंटरनेट का सबसे लो कॉस्ट है। अगर हम इंडिया को पूरी दुनिया के साथ कंपेयर करें तो यह कॉस्ट बहुत ही कम है। और यह जो एवरेज कॉस्ट है वह सिर्फ मोबाइल डेटा का ही नहीं बल्कि सारे कंट्रीज के ब्रॉडबैंड और मोबाइल डेटा को मर्ज करके निकाला गया है, उसी को ही बताया गया है आपको आज के इस वीडियो में। इंटरनेट के बहुत सारे यूजर्स है पूरी दुनिया में, और इसकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है चाइना, जहां पर 90 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहां के पॉपुलेशन का 63% है। और फिर आता है इंडिया, जहां पर 75 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि इंडिया के पॉपुलेशन का 55% है। अमेरिका में 31 करोड़ लोग इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि वहां के पॉपुलेशन का 96% है। इसका मतलब यह है कि अमेरिका में बस 4% ऐसे लोग हैं जो कि इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। और समय के साथ साथ यह इंटरनेट यूजर्स का नंबर है वह बढ़ते जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो आपको जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी, नॉलेजेबल लगी, तो वीडियो को लाइक करके, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो में।